लाओ प्लीज ब्रिंग फ्रॉम योर कार। मैं सब जानती हूँ आप लोग के ना आते लेके आओ लेके आओ, खाया तो वॉक हो जाएगी। अभी तो ऐसे करो ना, यू शो इट बिकॉज़ आई वांट टू नेम का कार्ड भी लगाओ ना नाइस से ऐसे ऐसे मोर क्लियर और इंटर पैलेस से I am highly grateful to my friend Shraddha Gattani who has sponsored this gift. Okay. Video में ले लो. 336. May I have a thanks to her? Yeah, yeah, definitely. वो उनके हाथ में भी gift है. आओ आओ. आजा बुलाओ बुलाओ उनको. रंजीव बहल. तलवार. कॉल कर दो ना रहना को चेन्नई स्टेशन में जीते चेन्नई बोले को आ सकता है ना। जजेस आ जाओ ना प्लीज कम आपकी तो मेहनत थी जिसकी वजह से जीते हैं सब हारे हुए थे स्टेशन पकड़ के खड़े रहे आगे करके खड़ा हो हेमा आ जाओ काम ऑल द आगे बैठ जाएंगे निम्मी आज जजेस से अभी गिफ्ट की मतलब वीआईपी आ जा रहे हैं आ रहे वेट कर रहे हैं फोटो के लिए। अभी ना तुम्हें स्पेशल इनविटेशन ले लूंगी पूरा पूरा। हाँ ये दो चार घर तो कम योर सेल्फ स्टेशन वाले आओ हम यहाँ बैठेंगे नीचे बैठ जाएंगे सब आओ ये स्टेशन वाले हाँ स्टेशन वाले दिल्ली का है आप भी तो हो मधु जी हाँ मैं बैठ रही हूँ मैं तो आ रही हूँ लो डॉक्टर साहब फोटो खींचो मुंबई आ गया मुंबई मुंबई की शरण में बहुत गए देखो मैंने जिता दिया मुंबई वाले को आपकी गिफ्ट का कॉल ये कोई मतलब हुआ उससे तो मंगवाई गई इनको क्यों बख्शा जा रहा है नहीं 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 क्यों बख्शा जा रहा है गिफ्ट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ एक रहना इज मिसिंग रहना प्लीज कम जिसके पास जिसको अंदर नहीं हो सब यार रहना कम विद योर गिफ्ट आप पहले रख के क्यों आए आपको डर था कोई उठा के ले जाएगा एक गिफ्ट और खाने में इजी रहता है ना रहना आ गई कब रहना फास्ट आ गई आ गई रहना बीती जाए जल्दी आ जल्दी ये भी गल छोड़ाई थी अभी रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ यार परफेक्ट परफेक्ट आ रहे हैं सब अब इधर आ जाओ बस अब परफेक्ट हो जाएगा नहीं कौशल सब जल्दी जल्दी भाग के आगे आगे आराम से वेरी गुड आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ यहाँ खड़े हो जाओ यहाँ हाँ बस 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 इधर इधर लाल अरोड़ा साहब के नाल लाल बस इधर देखिए हम चार चार फोटोग्राफर खड़े हैं पुलिस स्टेशन से मतलब फोटो खिंचाई जल्दी है ना बस ऐसे बैठे रहो एक मिनट बैठे रहो
वहां से विभाजन के बाद यहां पर आए तो सबकी हालत एक जैसी ही थी, कोई भी अलग नहीं था, कमोबेश सब एक जैसे थे। किसी की जेब में हो सकता है कि सोने के दो टुकड़े ज्यादा हो, किसी के कम हो, पर तो सब जने वहां अपनी जान बचा के भागते हुए यहां पर आए और इस बात की पीड़ा पंजाबियों को कई पीढ़ियों तक रही है, परंतु यहां पर आने के बाद भी किसी ने भीख नहीं मांगी, किसी ने किसी से कुछ सहारा नहीं मांगा, सब ने अपने पैरों पर खुद संघर्ष करके, जो वहां पर करोड़पति जी थे और यहां पर कंगाल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना ठेला लगाना स्वीकार किया, उन्होंने गली गली जाके कुछ सामान बेचना वो स्वीकार किया, उन्होंने लोगों के यहाँ पर नौकरी करनी स्वीकार की, परंतु उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। ये पंजाबियों की सिर्फ ये होते पंजाबी। आज हम बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबे टाइम तो बाद अस सारे जाने इकट्ठे हो गए। मैं कह रहा हूँ इस तो बच्चे कोई चीज हो नहीं सही, रब करे आप हर तीज त्यौहार पर एवं ही मिलते रहिए, इसी तरह खुशियां मांटते रहिए, खुशियां मनाते रहिए, त्यौहार भी अपने साथ जने मिल के जो मनाने हैं उसका मजा ही वखरा होता है। अज अस सारे जने इकट्ठे हुए हैं, एक शुरुआत एक बहुत फेमस एक कोटेशन है, दो इट्स ए वेरी स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन बट इट्स ए वेरी बिग स्टेप ऑफ मैनकाइंड ऑफ द मैनकाइंड। किसने कहा था? यद्यपि ये एक व्यक्ति के लिए बहुत छोटा कदम है परंतु पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम है, ये बात कही थी नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार कदम रखा तब उसने ये बात कही और जगह 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 पे ये बात कोट की जाती है। तो आज हमारी शुरुआत फिर से हुई है, ये एक छोटा कदम है परंतु ये बहुत आगे तक जाने वाला है। मैं कहता हूं कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसी बात पे तालियां बजाएंगे। वेलकम वेलकम। एक नारा मैं कहना कि सारे जन मिलकर लगाई अपन की कहते हैं अपन पंजाबियों की बल्ले 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 बाकी सब है बल्ले जी बल्ले बल्ले पंजाबियों की बल्ले बल्ले दैट हैज टू बी डन दैट हैज टू बी डन इफ वी आर यूनाइटेड नो वन कैन डिफीट अस दैट्स द मेन प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्वड And for that, a person has come from Alwar. His name is Ramesh Ahuja. He is in front of me. I want you all give him a big hand. आपका परिचय लंबा चौड़ा है, थोड़ा समय लगेगा और मुझे लगता है कि समय की हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है और हम आराम से बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका नाम रमेश कुमार आहूजा, पंजाबी से बोलना? हाँ जी। आप जी का नाम रमेश कुमार आहूजा है, अलवर चंगा जन्म होया अक्टूबर 1954, 1976 तो इन्होंने बीकॉम करने तो बाद अपना काम शुरू किया, व्यापार शुरू किया, नाल नाल समाजिक काम भी नाल इन्होंने शुरू किए, संघ के नाल भी जुड़े रहे, बीजेपी नाल भी जुड़े रहे। 1977 च इन्हों का विआह होया दिल्ली, इन्हों के एक बेटा और दो बेटिया ने और सब मैरिड ने। इन्होंने बहुत सारे संगठनों के नाल काम किया है जिन्होंने बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उस तो कुछ पढ़ना है सारे पढ़ा तो शायद तुम कहोगे कि ये खत्म नहीं हो रहा है, एंडलैस है। अलवर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के सचिव रहे 1979 तो 1982 तक, अलवर पुरुषार्थी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और बोर्ड के कार्यकारी सदस्य रहे, मैंबर रहे, उत्थे महादेव श्री राम मंदिर है और ट्रस्टी सचिव रहे, अलवर युवा पुरुषार्थी संगठन के उपाध्यक्ष रहे, आहूजा शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई उत्थे 1988 और भी अध्यक्ष रहे हैं और अज तक अध्यक्ष ने, तालियां हो जाए इस गल। फिर इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हुए 1990, अलवर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के एक फाउंडर मैंबर रहे, एडिटर रहे ने उसे जी सविनर छब्बीस 1997 तो लेके आज ताई। रायसर प्लाजा जो जयपुर चाहेगा एक बहुत बड़ा मॉल है, कमर्शियल मॉल है,
उसके एसोसिएशन के जयपुर सैक्रटरी रहे 1999-2001 तक। राजस्थान ट्रेड बैटरी एंड मैनुफैक्चरिंग एसोसीएशन के लाइव मैंबर रहे, कोषाध्यक्ष रहे 2002-2003 तो लैके 2006 तक। राजस्थान सोलर व्यापार संगठन एक बनया है जो सोलर अजकल लग रहा है सर्वे करा भी ऑर्गेनाइजेशन बनया, वह संघ 2005 तो सदस्य ने। हम राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ संगठन बनया उस वास्ते कई थावां ते घूमे ने, हैदराबाद रांची सूरत जिते जिते भी मीटिंगां होईयां कार्यकारिणी सदस्य रहे। हुण नवा एक राष्ट्रीय पंजाबी महासभा जो बनया है और अलवर जिला अध्यक्ष 2019-2021 तक रहे, और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा पुरानी वाली है, राजस्थान के प्रदेश महासंगठन के महासचिव रहे ने 21-22। और हुण नवंबर 2022 एक जड़ा नवा समस्त पंजाबी खत्री समाज जो एक और उसकी महासभा बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, वो एग्जीक्यूटिव मैंबर ने, राजस्थान प्रदेश के संरक्षक ने, राजस्थान प्रदेश के संयोजक ने, और थां थां ते जाके पंजाबियों के बीच एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं, हर थां ते जाके लोगों एकजुट कर रहे हैं। इस सिलसिले से इन्होंने गंगानगर विजिट की, बीकानेर विजिट की, इन्होंने सीकर विजिट की, ये अपने बीच आए हैं। अलवर शहर से अज इन्हों के 2-3 प्रोग्राम थे जिते इन्होंने जाना सीगा, उन्होंने छड़ के इतने आए ने। ये साडा सब का बहुत सौभाग्य है कि भी उन्होंने इनिशिएटिव लिता, इनिशिएटिव लेके वो इतने आए और सारे सारे प्रोग्राम शिरकत कर रहे हैं। अज जो इन्होंने कदम इतने पे ने, मैं लगता कि आने वाले टाइम वो कदमों का जरूर आहट सब बंद सुनेगी, घर घर तक पहुँचेगी, और सारे पंजाबी दोबारा एक यूनाइट होंगे, और यूनाइटेड होने तो बाद फिर अपना नाम उच्चा करेंगे। तो आप जो गल की पंजाबियों की बल्ले बल्ले बाकी बल्ले तेरे वास्तव होएगा होएगा होएगा। एक गल मैं अक्सर थां थां कोट करता है जो घर शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। RSS ने एक प्रचारक रहे दत्तो पंजी ठेंगड़ी, उन्होंने भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह वगैरह, उन्होंने पता नहीं कितने संस्था उन्होंने क्रिएट कीतिया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन, और आज वो सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने फील्ड से हिंदुस्तान से नंबर वन ने। उन्होंने एक गल मैं हमेशा कोट करता, He used to say, best may suffer, then best may prosper. समाज जरा नेतृत्व करने वाला है वो गुणी होना चाहिए है, और जो गुणी है जरा सब तो अच्छा बंदा है वो जो तो तकलीफ उठाएगा समाज के वास्ते तकलीफ उठाएगा ताकि जाके समाज सुखी होएगा, ताही समाज समृद्ध होएगा, ताही समाज आगे बढ़ेगा। तो इन एक दो लाइन जो आप कहने बेस्ट में सफर देन रेस्ट में प्रोस्पर, इसे तरह पंजाबी समाज भी आप जो नेतृत्व करने वाले हैं वो सफर हो रहे हैं, अपना कारोबार छड़ के इतने आए ने, अपने घर के प्रोग्राम फंक्शन छड़ के इतने आए ने, ताकि बाकी सारा समाज एक हो सके, नाल होली मना सके, दिवाली मना सके, गांव सारे जिन्हें बंकन है वो सब इकट्ठे कर सके, और आने वाले टाइम से अपने यहाँ बच्चों ने जो कोई ब्याह करने हैं अपने बच्चों जो कि सामाजिक तौर पर सपोर्ट दे दी है, अपने बच्चों जो आप कोई काम धंधे लाना है या फिर आप कोई होर सामाजिक काम कर रहे हैं वो अपने इकट्ठे होने नाल ही अपने एकजुट होने नाल ही वो संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अज साडे विच रमेश जी आहूजा आए ने, मैं उन्होंने इंट्रोडक्शन दे के भी अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि वो साढ़े बिच आए, उन्होंने सानू अपना समय दिता है, और अजे हमने उन्होंने रात 10 बजे की ट्रेन तो वापस भी जाना है। उस टाइम आते अपने बिच ने ताजे साहब के भी अपनी गल रखे, और मैं सोच रहा कि थोड़ी जी देर होर उन्होंने अजे अपने बिच बिठाई रखीए जो ती आप दूसरी गल् करिए। कुछ लोग हमेशा ही लेट लतीफ होंगे ने और थोड़े लेट आते हैं, और कुछ जेन्युइन रीजन भी होंगे, कुछ नेचर भी होंगे, सब तरह के लोग होंगे, और बाकी के लोग भी आ जाए, कोई योजा ना रहे जो इन्होंने रोजगारों तो वंचित रह जाए। इस करके कुछ देर आप और इंतजार करिए, मीनवाइल मैं चाहूँगा कि अपना जो कल्चरल प्रोग्राम या जो कोई कंपटीशनल प्रोग्राम जो कि आप कराना चाह रहे हैं तो मधुसूदन मैम जो कराना चाहे वो प्लीज आन वो करान, ताकि फिर अपन भी
फिल्म का गैप करिए। इंट्रोडक्शन करा सकते हैं? नहीं कर रहे, फैमिली वाइज ना आप अनाउंस कर दो, लेट एवरीवन कम फैमिली वाइज आए तो इंट्रोड्यूस कर। ओह यस, आपा वो सारे बंदे आज पहली बार मिले हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार इतने आए हैं। दूसरे नाल जो वाह करना था, आपा एक दूसरे नहीं पहचानते, पावा आप एक शहर रहने, एक कम्युनिटी में बिलोंग करते, एक आज एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हुए हैं। तो वो किसी असुविधा की सारे एक दूसरे को इंटरेक्शन करिए, एक दूसरे नाल इंट्रोडक्शन लइए, इंट्रोडक्शन दइए। तो मैं इस चीज की जो शुरुआत कर रहा है, मैं बिल्कुल राइट हैंड साझे समाज की बड़ी वरिष्ठ सदस्य है, स्कूल के डायरेक्टर भी रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल रहे हैं, अपना स्कूल ही चलाते हैं। बाकी चीजें ही दसेंगे श्रीमती सुषमा इंट्रोडक्शन दे वन बाय वन, फिर आप बाकी सारे रिव्यू आगे तो क्या करते हैं। इट विल टेक लेस टाइम। थैंक यू। मैं सारे नु जी आया नु सबका आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर सुषमा अरोड़ा ज़्यादा तारीफ कर देती है, और मेरे हम सफर, मेरे हम कदम जगदीश जी अरोड़ा, एक छोटा सा स्कूल है, हैप्पी होम स्कूल है, दो तीन ब्रांचेज हैं उसकी, और 48 साल से आप चला रहे हैं और बच्चों की जितनी सेवा हो सकती है कर रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी उसमें संचालित है, और मैं कदम नाल कदम मिला के थोड़ा साथ दे। अपने जितेंद्र बैल साहब की माता जी, सारे परिवार के लोग भी आ जाए। जितेंद्र बैल साहब आते एक गल कहना चाह रहे, एक बार एक गलती नाल किसी बात चले गए, बात जाके एक बंदा ने देखा, उन्होंने जाके क्या पीटर स्कॉच सिंगल, बार टेंडर ने पीटर स्कॉच सिंगल दे दी। दूजा बंदा गया, उन्हें क्या जॉनी वॉकर सिंगल, वो भी सिंगल लेके चला गया। क्या यार बार बार सिंगल सिंगल करी जा रहे हैं, जाके क्या मैं जितेंद्र बैल मैरिट। बहुत बढ़िया जोक, बहुत धन्यवाद। सारे सबने नमस्कार, मैं मेरी मदर इतने खड़ी दी है, मैं पहले उन्होंने आशीर्वाद लाना, इन्हें आशीर्वाद तो ही सब कुछ संभव हुआ है। तो माइक में फिर मेरी भाभी है इतने प्रमीला भी, तो माइक उन्होंने वही इंट्रोडक्शन दी। मैं छोटा है इस करके बड़े ने सारे। मेरी मदर इन लॉ आशा बैल, फॉरन लॉ अभी आ नहीं पाए, उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। आई के बैल रिटायर्ड डिविजनल इंजीनियर रहे हैं डैडी, मम्मी घर चला रही हैं। मैं प्रमीला बैल, इनके सेकंड नंबर के बेटे की वाइफ, अभी वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर से, तकरीबन 32 ईयर्स का मेरा एजुकेशन लाइन में एक्सपीरियंस रहा। एंड इसके अलावा बस हम छोटा सा परिवार है, और समाज के लिए जो थोड़ा बहुत हम सहयोग देना चाह रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं, तन मन धन से जो है वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो ब्रदर थे प्रवीण जी बहल, उनका बहुत अच्छा योगदान था पंजाबी समाज में, और वो हमेशा से चाहते थे कि सब इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर हम इस त्यौहार को मनाएँ, लोहड़ी मनाएँ और भी सारे फंक्शन मनाएँ। तो ये हमारा आज से छोटा सा एक प्रयास है, और आगे हम बढ़ते जाएंगे, इससे भी ज़्यादा हम फंक्शन करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र बैल जी की फैमिली जो है, इनकी नेबुलर फैमिली, वो जयपुर में है। अभी नेक्स्ट हमारे वरिष्ठ सदस्य आप मिसेज तृप्ता चावला। आप हेलो, सबको मेरे नमस्कार। मैं मिसेस चावला, मेरे पति देव सतीश चंद्र जी चावला आज से 27 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी फैक्ट्री थी वेस्ट इंडिया गैस प्रोडक्ट, लेकिन मेरे पार्टनर्स ने, हमारे पार्टनर्स ने हमें धोखा दे दिया, उन्होंने सारा चीज़ हड़प ली, और मैं अपने दो बच्चियों के साथ
निर्वाह कर रही थी और दोनों बच्चियों की शादी करती है ना। एक बच्ची मेरी ऑस्ट्रेलिया रहती है, वो PSP है और छोटी बच्ची DPS स्कूल में सीनियर टीचर है। अभी मैडम भी साथ ही थी है, अभी काम कर रही है और मैं भी छोटा सा बिजनेस कर रही हूँ अपने गुजारे के लिए। वेस्ट इंडिया गैस प्रोडक्ट के सिलेंडर थे मेरे पास, उस सिलेंडरों से मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ फालना में। लेकिन अब अपडाउन नहीं कर सकती, मुझे ठेके पे दे दिया था और मैं हाउसवाइफ थी। लेकिन हाउसवाइफ के साथ साथ मेरे को बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट था। मैं 25 बच्चों को अपने घर में बैठा के पढ़ाती थी, एज थी मतलब ग्रुप था पूरा। और मेरी छोटी डॉटर ने मेरा बहुत साथ दिया, उस समय बड़ी की शादी कर दी थी, वो छोटी डॉटर ने मेरा बहुत साथ दिया। बड़ी बेटी वहाँ से मेरे को बकअप करती है, उठो मम्मी चलो सैर करने जाओ, ये करो वो करो। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ तलवार साहब के कारण और मेरी बड़ी बेटी के कारण। और छोटी बेटी ने कहा यदि आपको कोई लेके नहीं जाने वाला तो मैं आती हूँ। मैंने अरोड़ा साहब को फोन किया, मेरे भाई को। ये मैं जब यहाँ पर राजस्थान इधर आई थी उदयपुर में, तब से ही मेरे साथ हैं। इन्होंने मुझे एक दिन आके कहा था मुझसे, चाला भाभी आप चलो मेरे साथ स्कूल के अंदर, मैं आपको याद है आपको, मैं आपको वहाँ पर मेरा स्कूल आप चलाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ताला नहीं पसंद था। ताला नहीं लगाना, कहते अपने बच्चों को संभालो। हाँ मैंने वो जिम्मेदारी पूरी की, मेरे बच्चे स्कूल गए पढ़े अच्छे से, बड़े हुए और अभी यू आर अ बिग हैंड अपने परिवार के साथ, सबको धन्यवाद। मैं आज सुबह राजमन गया था, एक प्रोग्राम था उसमें बड़ा के नाते मुझे बुलाया गया था। ऐसा था कि बेरोजगारों को अपना काम करना चाहिए इस टॉपिक पे, तो उसमें बात आई वहाँ पर जेके टायर उसके GM भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें केमिकल इंजीनियर चाहिए, महीनों हम ढूंढते रहते हैं केमिकल इंजीनियर नहीं मिलता। लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, परंतु नौकरी देने वाले बैठे हैं परंतु नौकरी लेने वाला नहीं मिल रहा है। क्यों? जिस स्टैंडर्ड का हमको चाहिए एम्प्लॉई, उस स्टैंडर्ड का एम्प्लॉई नहीं मिलता। डिग्री होल्डर मिल जाता है, उस स्टैंडर्ड का नहीं मिलता, यानी कुशल श्रम स्किल्ड लेबर। तो मैं PhD डिपार्टमेंट से एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ, रिसेंटली 8 महीने हुए हैं। और हमारा यहाँ एक छोटा सा होटल है कावेरी पैलेस के नाम से, तो अभी आजकल हम लोग ये होटल देख रहे हैं और दो बच्चे हैं हमारे, माय सन एंड डॉटर इन लॉ दे आर इन हैदराबाद और मेरी डॉटर है वो नोएडा में जॉब। ये कावेरी कौन है? ये तलाक जारी है। बहुत धन्यवाद, तालियां बजाएं, स्वागत करें एक एक का। अभी हमारे बीच में हरदी लजीज गुल्ले गुलजार, हमेशा चमकते रहने वाले चमकते हुए स्टार हमारे संजीव तलवार हैं, तो स्टार परंतु नाम लिखते हैं तलवार। आइए आप तलवार मारते तलवार। मैं संजीव तलवार, ये मेरी छोटी जी फैमिली है, मेरी मिसेज अवनी तलवार, मेरा ब्रदर रंजीत तलवार, की वाइफ करीमा तलवार। मैं 93 तो इस मार्च तो जुड़े हैं, 98 में मैं उसके बाद ये वो टाइम टू बेस्ट मैं उन अपनी लाइफ के मैक्सिमम काम कर चुके हैं। मेरा
हाँ सर, ये इनका है एंट्री, आने दो। बिटिया मेरी लंदन से, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से स्टडी कर रही है। कौन बहु मेरी, मैं उन्हें सेल्फ फोन आना दूंगा, अपना इंट्रोडक्शन देगी और फैमिली पूरी सेटअप है। और ये जो पंजाबी बाग है सी रल मिल के इन्हों ऐसे तक खींच के ले आए, उन कोशिश करिए सारी चीज़ रल मिल के मनाइए। और मंगन जी तक कही अभी आज तक मंगे नहीं किसी नाल, ना के मंगांगे अपनी अफोर्ट से इन्हों ना सिरे चाड़ के ही चले जाऊँगे। अगे इंट्रोडक्शन वास्ते मैं मेरी वाइफ नू माइक। अच्छा विजन है आपका पंजाबी बाग। नमस्कार जी, सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आज यहाँ आए हैं। मैं तो ये चाहूँगी कि इससे ही ज़्यादा हम नेक्स्ट टाइम मुझे मिले तो इससे ज़्यादा हमारी गैदरिंग हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आए, बैल भैया, शारदा भैया और सूद भैया सभी का, कि आप लोगों ने एक बार समाज को फिर से खड़ा करने की एक जो ये प्रयास किया। अरोड़ा अंकल सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग फिर से जुड़े। मैं अभी मैं गुरु नानक स्कूल में मैथ्स टीचर हूँ, लेक्चरर, वाइस लेक्चरर। बहू बेटा बस आ ही रहे हैं, चलो वो आएंगे फिर उनके इंट्रोडक्शन बाद में कराते हैं। बहू जो है मेरी वो फिजियोथेरेपिस्ट है और बेटा हमारा बिजनेस से संभाल। थैंक यू, थैंक यू। मैं रंजीत कुमार, संजीत जी का छोटा ब्रदर। जब से ये पंजाबी समाज उदयपुर का इकट्ठा हुआ तब से हम बहुत संभालते, तब से हमने यहाँ पर ये एकत्र हुए। हर फंक्शन में तो नहीं हुए, कुछ फंक्शन में पहले हुए थे ऐसा विधि टेस्ट को। और मेरी वाइफ है जो मेरे साथ ही है, मैं एक शॉप चलाते हैं रेडीमेड इनसाइड सूरजपुर में हमारी, और वो भी हेल्प करती है उसमें। और मेरा एक बेटा है वो अभी बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में यहीं पर, वो अभी आया नहीं स्टडी की वजह से। और बाकी की छोटी सी फैमिली है और मम्मी पापा थे जब तक तो सब साथ में थे, और यही पंजाबी बाग में हमारे रेजिडेंस है। ये शॉर्ट हमारा थोड़ा परिचय है, बाकी मिलते रहेंगे और परिचित होते रहेंगे। हूँ मैं रमन सूच वास्ते हूँ पैसा वास्ते गल दस। असी दोनों बैंक च मिले, जदों कोई समाज ना कोई साडा नाता, ना कोई वास्ता, ना किसी कदे एक दूसरे को देखा, ना कुछ किया। बैंक की टेबल च छोटी जी गल थे मैंने कि भी मैं आया, मेरे को मेरे उस टाइम कोई चेक होंगे सके, मैं क्या भी ना केनरा बैंक च मेरा भी अकाउंट सेगा, ये भी होंगे से। बस एक पंजाबी गल के नाल ही गल चल पई और चल के हम दूर तक निकल के अच्छ तकरीबन 33 साल हो गए। सन 88 की गल है, 88 कैनरा बैंक मधुबन के इंप्लॉय से, और बड़ा एक मिनट चेक चले थे कैनरा बैंक, मैं इशू ब्रांच गया एम आई टैक्स बैंक से, जो अपन उन्होंने पेमेंट इतने जमा कराइए तो अपन ट्रैवलिंग का मिल जाए। उन्होंने खाली चेहरे तो पहचान करके पंजाबी से गल की, यार ना हेलो ना मैंने बन जाएंगे हुई बैठो तुम 10 मिनट से लेना मैं तुम्हें इशू हो जाएंगे। बस उतो तो शुरू हुए और ठे मैंने ये तो चले गए उदयपुर तो बाद जाके हूँ रिटायर होके वापस बैक आए, बैक आए मैंने उदयपुर से, और तकरीबन 5 साल हो गए, 4 साल हो साल हो रिटायर हुए साल हो। बाकी ऐसी मैं बहुत कहते रहे हरियाणा इन्होंने पूरा गौरव किया और राजस्थान के सारे कैमरामैन मैडियम से ट्रांसफर होकर बाहर कर रहे हैं, और फैमिली इन्होंने इतनी रही सैटअप किया, और इन्होंने फैमिली का काफ़ी अच्छा योगदान है। इन्होंने अपने साले साहब दुकल साहब हमने दुनिया सुनी है, उन्होंने साढ़े समाज वास्ते बहुत कुछ किया, वो भी इन्हें हाउसिंग बोर्ड के अच्छी पोस्ट देते थे, और तकरीबन 2-3 साल ही होए है, 2-3 साल ही हुए जो उन्हें इस दुनिया च नहीं है। बाकी उन्होंने समाज में एक कन भर तक आज 10-12 साल तो उन्होंने अपने कंधे तक चला के अगे तक बधाया। लेट है पर ये मेरा बेटा, मैं उन्होंने खुद ही इनफ माइक दूंगा, अपने आप अपना इंट्रोडक्शन दे। हाँ जी, फिर साजुल तलवार नाम है मेरा, मैं इनका ही वो हूँ ना बेटा हूँ, ये मेरी वाइफ है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ, हैप्पी होली। नमस्ते सारे, मेरा नाम रैना तलवार है।
आप इतना कम क्यों हो गए? मैं तो ज्यादा हूँ, आप कम क्यों हो गए? आधी रात को जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ पिता से कहती है, इस बच्चे को डॉक्टर सरीन के पास ले चल, इस बच्चे को डॉक्टर सरीन के पास ले चल। ऐसे डॉक्टर सरीन हमारे बीच में है। मुझे गब्बर सिंह याद आ गया। मत रो बच्चे, गब्बर सिंह आ जाएगा। लेडीज फर्स्ट, पहले अपना परिचय दो। मैं वाइफ ऑफ डॉक्टर सरीन, और मैंने मोर देन 25 इयर्स एज अ प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी में वर्क किया है, और अब अपनी एनजीओ सूर्यांश चला रही हूँ जिसकी फाउंडर मेंबर हूँ, और हमने 10 ही लेडीज रखी हैं। सो आई एम वर्किंग फॉर ट्राइबल वीमेन एंड गर्ल्स। मैं मिसेज मधु सरीन का हस्बैंड डॉक्टर देवेंद्र सरीन। सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा, सूद साहब ने उम्र अपनी ज्यादा लिखवा रखी है, आप रिटायर्ड लगते नहीं है किसी एंगल से। मैं डॉक्टर देवेंद्र सरीन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हम लोग 84 में उदयपुर में आ गए थे, लगभग 39 साल हो गए। पहले मैं RNT मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इन यूनिट था, अब मैं रिटायरमेंट के बाद में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और मेरी दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर निष्ठा सरीन, वो मिशिगन में USA में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है, विमेन हार्ट हेल्थ के लिए वहाँ काम कर रही हैं, वो वहाँ लेडीज़ की हार्ट की डिजीज़ के लिए। उनके हस्बैंड जो है साइमुलेशन में हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और मेरी छोटी डॉटर जो है वो भी वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी है USA में, मेम्फिस में, वहाँ पे वो हेमेटोंकोलॉजिस्ट हैं, उसके हस्बैंड इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और मेरा बेटा जो छोटा है वो SMS मेडिकल कॉलेज से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में DM कर रहा है। तो ये हमारा छोटा सा परिचय। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे सूद साहब कह रहे थे कि हम लोग 84 में यहाँ आए थे, जब हम यहाँ आए 84 में साथ में इकट्ठे इकट्ठे आए थे, तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैं मकान किराए के लिए जगह जगह हम लोग गए, लोग पूछते साहब कौन है, आप पंजाबी हैं, आपको मकान नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, कितने हम बहुत जगह हम लोग गए। तो एक जने ने तो ये भी बोल दिया कि साहब आप क्या है कि यहाँ पे एक कास्ट हो रहा है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे ना, तो वो कहते थे भाई अंडा तो नहीं, प्याज तो नहीं, ये तो नहीं बनाओगे, जैनी लोग इसको मना करते हैं। एक जने ने तो ये कह दिया, डॉक्टर साहब आपको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे धुरंधर हमारे समाज के पीडियाट्रिशियंस हैं, तो आप जमोगे नहीं। तो हमने, मिसेस सरीन ने उसी समय कहा था, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इन्होंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, पर आपको ये कहने का कोई हक नहीं है, आप नहीं देना तो मत दो। ये पंजाबियाँ भी असली गल होंगी, यहाँ पे सामने अपने पैर जमाए, नज़र ऊपर रखी, ताई सब की दुआओं नाल, सबके सहयोग के नाल, आज तक मैं 578 फ्री मेडिकल कैंप कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ 579 वाला जो कैंप करा उसको पंजाबी समाज के नाम करना, ए वाली चीज। थैंक यू वेरी मच, सबका सहयोग हमेशा मिलता है यार, हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 84 ਚਲਾਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਭ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਘੋਸਲਾ, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ एक सदस्य है खोसला साहेब, मिसेज खोसला, मैं उनको इनवाइट करता हूँ, कृपा है।
अनुपम खेर की पिक्चर थी, पिक्चर वाला घोसा का घोसा भी पंजाबियों की तरह कॉमेडी थी। ये वहाँ खड़े होने से कॉमेडी शुरू हो जाती है। ये वाला मस्त है भाई, जाएं उधर ही जाओ। मैं इंदु खोसला, अभी मैं गुनाना पब्लिक स्कूल में सर्विस करती थी, टीचर थी। अब रिटायर हो गई, 2007 से मैं रिटायर हूँ और अभी रिटायर लाइफ में जा रही हूँ। हमारे तीन बच्चे हैं, तीनों सेटल है। बड़ा बेटा मेरा कोक में सेल्स हेड है और छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, वो शिकागो में है सेटल। और बेटी गाजियाबाद है, वो भी गोइंग का स्कूल में टीचर है। और ये मेरे मैं सुभाष खोसला हूँ। हम बेसिकली तो पंजाब के रहने वाले हैं, क्योंकि मेरी एजुकेशन जितनी भी हुई है वो पंजाब में हुई है। मैंने MSc PhD पंजाब से की है, पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरा लिंक राजस्थान से कैसे हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जब अपनी PhD प्रॉब्लम्स चूज की तो मेरे पास कई प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने बाई चांस राजस्थान चुना। तो मैंने बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में मैंने रिसर्च की। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मतलब जियोलॉजी इज विद साइंस ऑफ अर्थ, तो मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने अपना फील्ड वर्क जो था वो बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर में किया अपना PhD। और वही शायद एक अट्रैक्शन थी, मैंने एक बार यहाँ आ गया तो उसके बाद फिर पता नहीं इधर ही खींचता चला गया और मुझे जॉब ही यहीं मिल गई राजस्थान में। और तब से हम लोग 72 से हम उदयपुर में रह रहे हैं। और मैं वैसे रिटायर तो 2002 में हो गया था, लेकिन 10 साल तक फिर मैं अपना रिसर्च वर्क करता रहा, स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा PhD के लिए। तो मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते रहे तो मैं काम करता रहा। और जब से ये पंजाबी समाज बना है हम लोग इसके साथ एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन हम कोई वो तो नहीं बने थे, कोई ऑफिस बिलर तो नहीं बने थे, लेकिन हम लोग इनकी हर मीटिंग में, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। यही छोटा सा परिचय है हमारा। बच्चों के बारे में इन्होंने बता दिया है तो मैं इसी यही बात करूँगा। और यही हमारी ख्वाहिश है कि पंजाबी जितने से ज़्यादा जुड़ते, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाए और सभी दुख सुख में, सुख में तो हम मिलते ही हैं, इवन आपस में एक दूसरे के दुख में भी हम भागीदार बने तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओ भोसला आंटी के पत्थर के सनम, उन्होंने स्टोरी बताई अपनी। अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए जो नए मेंबर अभी हमारे बीच में आज पहली बार आए उनको मैं बुलाता हूँ, बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन बाद में ले लेंगे, काफी लोग आपस में पहले से परिचित है तो उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो शॉर्ट कर लेंगे। और उनका जिनको हमने गेस्ट के नाते यहाँ बुलाया है उनके दो शब्द हम सुनने के लिए यहाँ बैठे वो उनको बुला लेंगे। तो जो लोग अभी पहली बार आए हैं मैं खुद भी उनसे परिचित नहीं हूँ आपसे, तो आप अपना परिचय समझ लेंगे। मैं अजय कुमार मेहरा, मेरे ब्रदर विजय कुमार मेहरा, मेरी वाइफ है नीति मेहरा, भाभी रेनू मेहरा, ये आंध्रा बैंक में है, हम तीनों LIC ऑफ इंडिया में है। मेरा एक बेटा है वो कैट की तैयारी कर रहा है, बेटिया है जो BGS कर चुकी है। हेलो, आई एम ज्योति मेहरा, इंट्रैक्शन भी उन्होंने दे दिया, मेरी बिटिया BDS कर चुकी है और अभी वो MHA करने के लिए पुणे जा रही है। मीन टाइम शी ने गोल, शी इज सिलेक्टेड फॉर गोवा आल्सो। तो बेटे के बारे में बोल रहे हैं, खुद के बारे में? ओह माय गॉड, एक्चुअली आई एम कंटिन्यूइंग, जो इन्होंने छोड़ा अधूरा उसको मैं पूरा कर रही थी। मुझे लगा आप खुद के बारे में बोल रही हैं, मुझे लगा आप ही स्कूल अभी कॉलेज पढ़ रही हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है महिलाएं इससे बहुत खुश होती हैं।
मतलब हाथ वाल निपटा दिया। मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी बोला गया था आपने सामने कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं जब भी किसी भी पंजाबी से मिलती थी तो मैं यही कहती थी कि अपना ही समाज है जो कि आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे बच्चे भी जैसे जो है यहीं पे स्कूलिंग हुई है, तो यहाँ पे हर समाज को हम लोगों ने देखा है कि बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है और अपन सब मिलकर यही कोशिश करेंगे कि इसको आगे से आगे बढ़ाते हैं। कहाँ रेजिडेंस का है आपका? सेक्टर 14। नमस्कार सर, मैं विजय कुमार मेहरा, पहले शक्तिनगर आंध्र बैंक में था, एट प्रेजेंट आंध्र बैंक मर्ज हो करके है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, और मैं भी एट प्रेजेंट चित्रटी ब्रांच में हूँ। और रेणु मेहरा है वो LIC के अंदर है, एट प्रेजेंट नाथद्वारा WU है। मेरा बेटा वो अभी जॉब कर रहे हैं, वो एक्टर पूजा, मुझे उसका पूरा आइडिया नहीं है। और मेरी दो डॉटर्स हैं, ट्विंस बेटी हैं, वो दोनों अहमदाबाद में CA कर रही हैं। ये हमारा छोटा सा परिचय है। और मेरे को ये आज बहुत अच्छा लगा जब हमारे जीतू भाई ने बताया कि हम एक पंजाबी समाज समिति का गठन कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग शामिल होना चाहते हैं। हमको बहुत खुशी हुई जब मैं उदयपुर 92 में आया था, तो उदयपुर में जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो हमारे को कोई पहचानता, मेरा पंडित को कोई नहीं जानता था। जब मैं किराए के मकान के लिए, जैसे अभी बताया था सामने बताया, ठीक सेम वैसे ही हमारे साथ भी हुआ था कि मेरा कौन सी कास्ट होती है, तो मैंने उनको बोला कि पंजाबी होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जानते ही नहीं थे कि पंजाबी कौन होते हैं, खत्री कौन होते हैं। फिर उनको मेरे को रेफरेंस देना पड़ा कि मेरा जो है कपूर है, टंडन है, मल्होत्रा है, इसमें आते हैं, तब वो समझे हैं। तो ये जो आज शुरुआत हुई है अपने पंजाबी समाज की, बहुत ही अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब जने इसमें आगे से आगे बढ़ के चले अपन, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन्यवाद सर। मिस्टर मेहरा, कपड़ा दादा आपके सिर पे सहरा। एनीवे, बात को आगे बढ़ाने से पहले इस पर थोड़ा सा अभी देख देते हैं, इंट्रोडक्शन अपन बाद में करेंगे। बीच में हमारे जो मेहमान आए हैं, हम आप सब लोगों की तरफ से उदयपुर के पंजाबी समाज, पंजाबी खत्री समाज की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे विशिष्ट अतिथि जो आए हैं श्रीमान रमेश जी आहूजा, तो मैं निवेदन करता हूँ तुझे प्लीज इधर आओ, सामने अपने दर्शन दो, लेके लो बे, जीतो जीतो लो माइक लो। मैं क्या है, हमारे वरिष्ठ श्री जगदीश जी अरोड़ा से निवेदन करूंगा कि वे कृपा आए और आपको माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके साथ ही खोसला साहब को भी निवेदन करूंगा कि वे भी आए ओपरना पहना के। तो आतिथ्य सरकार सरकार है, पहले पांच लाए कम पड़ जाएंगे। आपको मेवाड़ी पाग पहना के इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही मैं तलवार साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और माल्यार्पण करें। फोटो भी
कोशिश करें अब हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो हम सब पंजाबी समाज का उदयपुर के समाज का ये फर्ज है कि हम सब हमारी सबकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी भेंट इनको दें ताकि ये भी लगे कि हाँ उदयपुर के लिए आए हैं। तो मैं सब तलवार साहब से निवेदन करूँगा कि वो हम सब की तरफ से एक स्पेशल भेंट रमेश जी आहूजा साहब के लिए प्रदान करें और हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और समय निकाल के हमारे को यहाँ पे आए हैं। उदयपुर आए ने उदयपुर की आन बान शान मेवाड़ी पाग मनी जाती है, इस करके मेवाड़ी पाग कहलाई है। जो मेवाड़ किसी के सामने नहीं झुकया, जिदी टोपी किसी के सामने नहीं झुकी, जिदी पाग किसी के सामने नहीं झुकी, वो पग वो पाग वो पगड़ी वो टोपी वो आज सानू असी पहनाई है। और रब तो असी मंगते हैं कि आने वाले टाइम से पंजाबी समाज आज तक कदे किसी सामने जो नहीं झुकया और दिन दुनी राज चुगनी तरक्की करे, साढ़े नेतृत्व अगे जाए। और अज असी मैं शारदा साहब नु निवेदन करांगा, एक मिनट आन इकट्ठे मिल के असी मोमेंट है देवा, बाकी लोग भी आ जाए। आइए इधर सब बोलो, जो नहीं आए वो भी आ जाओ यार, आ जाओ। मैं फोटो ले रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब मिलके जो है वो एकत्रित हुए। धन्यवाद, बहुत आर्य साहब रह गए।